बहुमत के बाद भी बा पंचायत समिति में प्रधान की सीट तक नहीं पहुंचने वाली कांग्रेस ने उप प्रधान की सीट पर कब्जा कर अपनी साख बचा ली। उप प्रधान की सीट निर्दलीय ने कांग्रेस की झोली में डाली। वार्ड 6 से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतने वाले इस्लाम खां को कांग्रेस ने सिंबल देकर अपना उम्मीदवार बनाया। सामने बागी बनी सुशीला निर्दलीय उम्मीदवार थी। इस्लाम खां एक मत से उप प्रधान का चुनाव जीत गए। सुबह 10 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सुशीला ने निर्दलीय के रूप में तथा कांग्रेस से इस्लाम खां, एमणी तथा नखताराम ने पर्चा दाखिल किया। इसमें नखताराम व एमणी ने पर्चा वापस ले लिया। कांग्रेस ने निर्दलीय इस्लाम पर भरोसा जताते हुए पार्टी सिंबल दे दिया। निर्वाचन अधिकारी एवं SDM हरि सिंह देवल ने बताया कि इस्लाम खां को 9 तथा सुशीला को 8 मत मिले। इस्लाम खां के जीतने की खबर आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पंचायत समिति सदस्य पूनम कंवर, एडवोकेट परवीन सिंह, ब्लॉक कमेटी कांग्रेस प्रवक्ता पहाड़ सिंह रावरा, नंद किशोर तंवर, मनोज पुरोहित, एडवोकेट राजेंद्र सिंह बारू सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। फलोदी पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव में मंगलवार को कांग्रेस के केशुराम बिश्नोई निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित किए गए हैं। मंगलवार को 11 बजे तक उप प्रधान के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने के अंतिम समय तक कांग्रेस के टिकट पर केवल केशुराम बिश्नोई का ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ, जो जांच में सही पाया गया। एक ही नामांकन पत्र प्राप्त होने पर कांग्रेस के केशुराम बिश्नोई को निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित किया कर दिया गया। फलोदी पंचायत समिति के नव निर्वाचित प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने आज मंगलवार दोपहर को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, पंचायत समिति सदस्यों एवं सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में प्रधान का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ओम जोशी, पूर्व प्रधान माणक मेघवाल, पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सम्मू खान ने कांग्रेस की विचारधारा एवं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा युवा नेता वैभव गहलोत की जनहितैषी नीतियों पर भरोसा कर जनता ने फलोदी पंचायत समिति क्षेत्र में कांग्रेस को अपार जन समर्थन दिया है। क्षेत्र की जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़कर अपना दायित्व निभाया है। प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने पंचायत समिति के सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया तथा सहयोग के लिए सभी का आभार प्रकट किया। भारतीय किसान संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय लागत आधारित लाभकारी मूल्य घोषित कर घोषित मूल्य किसानों को दिलाना सुनिश्चित करने की मांग लंबे समय से उठा रहा है। संगठन के जिला फलोदी मंत्री हनुमान अमराणी ने बताया कि इसी के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर घोषित मूल्य से नीचे मंडियों में फसल बिकने को प्रतिबंधित करने की न्यायिक लड़ाई भी संगठन लड़ रहा है। संगठन की अखिल भारतीय कार्य समिति के आह्वान पर 8 सितंबर को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ग्राविस की मुखिया शशि त्यागी के जीवन पर तैयार हुई जीवन संदेश स्मारिका का मंगलवार को बाप में ग्राविस उप केंद्र में निदेशक प्रकाश त्यागी की उपस्थिति में पुस्तिका का वितरण किया गया। विचार संगोष्ठी में बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अखिराज खत्री ने कहा कि श्रीमती शशि त्यागी का जीवन थार के गरीब मजदूर अशिक्षित वर्ग के लिए समर्पित था। उन्होंने जोधपुर जिले के सुदूर अभावग्रस्त क्षेत्र में बसे ग्रामीणों की समस्याओं को चिन्हित नजदीक से पहचान कर उनके निराकरण के ठोस उपाय किए। श्रीराम हॉस्पिटल जोधपुर एवं मरुधर हॉस्पिटल एंड सोनोग्राफी सेंटर के तत्वावधान में आज यहाँ निःशुल्क रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। निदेशक मीनाक्षी पुखराज पालीवाल ने बताया कि शिविर में 478 मरीज लाभान्वित हुए। निसंतान एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पेश हरिपरा, डॉक्टर खुशीद मेहर, डॉक्टर वजीर खान, सागर मेहर, रोहितास बिश्नोई, कमल कुमावत, गोपीराम, लता कुमावत, मैना कोठारी, गैना पालीवाल, विद्या कानाराम मेघवाल ने सेवाएं दी।